हेलो स्टूडेंट्स, आज आम ओडिशा आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। देख आम एग्जामटा होता पेपर वन आउ पेपर टू, दुईटा पेपर रहता। पेपर वन आमर जीएस आउ मैथ, पेपर टू रे जनरल इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर आउ ओडिया लैंग्वेज और ओडिया ग्रामर, एम दुईटा पेपर में एग्जामटा होता। तो पहला पेपर वन रज आम जीएस सेक्शनटा पहला आरंभ करमु, जीएस पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तो देखो प्रत्येक टॉपिक रे तब चार चार्टा सेड रहा, ए बी सी डी, ए बी सी आउ डी, चार्टा चार्टा सेड थिला, क्वेश्चन समान थिला, आउ चार्टा सेट रे तार नंबरिंग खाली अलग होता। तो देख मोर पाखे जेन क्वेश्चन टा अच्छे सी सेट रोश्चिन अच्छे, तुम्हें मैंने क्वेश्चन रेटा मिले नब है, क्वेश्चन सामान दिया है, नंबरिंग केवल ओल्टा दिखे। तो जीएस सेक्शन टा देख, जीएस देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरस इज रेस्पन्सिबल फॉर कोविड 19? कोविड 19 बीमारी लगी बा कोरोना बीमारी लगी किन वायरसटा रेस्पन्सिबल? यार आंसर है सार्स कोविड 19, सार्स कोविड 2, सार्स कोविड 2 ए नंबर। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज नोन एज कविचंद्र? तो इतले दिया व्यक्ति विशेष मान मध्य क्या कविचंद्र कहसी? कविचंद्र, तो कविचंद्र देख, कविचंद्र, कविचंद्र कहसी कालीचरण पटनायक, उपेन्द्र भंज कवि सम्राट, उपेन्द्र भंज कवि सम्राट कहसी, राधानाथ राय कवि बर राधानाथ राय, नंदकिशोर बल पल्ली कवि नंदकिशोर बल, तो यार एक्जाक्ट आंसर कविचंद्र कालीचरण पटनायक के कविचंद्र कहसी। देख ये मन रखबार कन्फ्यूजन नहीं होगा, तर ट्रिक्स भी कहीदे कविचंद्र, चंद्र चंद्र केत देखासी? चंद्र राति देखासी, राति राति कला बा अंधार, तो कला चंद्र राति देखासी, कला कलारु काली, कलारु काली बा अंधारु कालीचरण पटनायक, तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक, बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अनर्ड विथ भारत रत्न इन द ईयर 2019? 2019 मसीह भारत रत्न क्या मिलता? यार ऑप्शन दिया भीमसेन जोशी, मदन मोहन मालविया, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखो यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो 2019 मसीह जन के भारत रत्न मिलता। पहला हूँ आमर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, सेकंड आसामीज सिंगर एंड कंपोजर भूपेंद्र हजारिका, भूपेंद्र हजारिका, भूपेंद्र हजारिका, एंड थर्ड वन सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। तो तीन जन के आमर भारत रत्न अवार्ड 2019 मसीह मिलता। तो प्रणब मुखर्जी जी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और आसामीज सिंगर एंड कंपोजर भूपेन्द्र हजारिका, आउ सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, तीन जन के मिलता। यार करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी। देखो नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन, द ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ललित कला एकेडमी आमर कार प्रसार प्रसार पर उद्दिष्ट, कार प्रसार प्रसार पर उद्दिष्ट? तो यार एक्जाक्ट आंसर हो ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडिया, इट इज फॉर्म्ड इन 1954 इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। तो यार एक्जाक्ट आंसर हो फाइन आर्ट्स लगे 1954 मसीह ललित कला एकेडमीटा तैयारी कराइला फॉर द पर्पज ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोल्क पेंटिंग इज द पॉपुलर पेंटिंग ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? तो मधुबनी स्टाइल रो तार माने चित्रकला आमर भारत रो क्यों राज्य रे बहुत पॉपुलर बा प्रसिद्ध अटे? तो देखो मधुबनी स्टाइल, मधुबनी स्टाइल, तो मधुबनी स्टाइल इज अल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग, और मधुबनी पेंटिंग इज अल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग। आमर मधुबनी पेंटिंग के कण कहसी मिथिला पेंटिंग बोलकर भी कहसी, नेपाल रो मिथिला रीजन रो लोग यहाँ के पालन करसन, नेपाल रो मिथिला रीजन रो लोग पालन करसन, आर आमर इंडियार बिहार, बिहार स्टेट रो लोग आमर ई गोटे पॉपुलर पेंटिंग है, गोटे प्रसिद्ध पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, बुझेगा? नेपाल रो मिथिला रीजन, तो मधुबनी पेंटिंग इज अल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग बोलकर भी कहसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट टू हिंदी व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? तो हिंदी परे भारत रो लोग किन लैंग्वेज के अधिक कहसन? यार आंसर हो बंगाली, सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन इंडिया, भारत रे सेकेंड लार्जेस्ट बंगाली कहसी, आउ थर्ड मराठी, थर्ड आमर मराठी, थर्ड मराठी, आउ फोर्थ, फोर्थ हूँ तेलुगु, फोर्थ हूँ तेलुगु। देख ये तेलुगुटा आगे थर्ड थिला, एबे किंतु से मराठी टॉप करी, मराठीटा टॉप करी, तो यार करेक्ट आंसर बंगाली, सेकेंड लार्जेस्ट
मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनटा के अमर कहसन भारत रे हिंदी परे हिंदी परे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ फेमस सॉन्ग वंदे उत्कल जननी। तो वंदे उत्कल जननी किए लिखी थे? तो यार एग्जैक्ट आंसर हो लक्ष्मीकांत महापात्र, लक्ष्मीकांत महापात्र। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शंस। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शंस ये गोटे लाइफ स्टाइल किए लिखी थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। से गोटे विलेज रु गोटे आमर इंडियन प्रेसिडेंट तक आमर भारत प्रथम नागरिक तक केमती पहुँची पारे से आमर माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन से एक्सप्लेन कर। तो यार अथर किए लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट हाउ इज द इमिनेंट पर्सन्स तेंजिन ग्याटसो पॉपुलरली नोन एज। तो क्यों विशिष्ट व्यक्ति के तेंजिन ग्याटसो बोलकर कह जैसी? तो यार आंसर हो दलाई लामा, यार आंसर हो दलाई लामा। तो दलाई लामा इज एन इमिनेंट इमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। तो टिबेट बामर चाइना टिबेटन एरिया रे अमर गोटे स्पिरिचुअल लीडर है जे कि हु इज डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। जे कि निजर एंटायर लाइफ के माने ह्यूमैनिटी मानव मानकर भल लगी उद्धार लगी से माने देइछन। तो दलाई लामा के कोआसि तेंजिंग ग्याटसो बोलकर तेंजिंग ग्याटसो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हु इज द विनर ऑफ विमेलडन टेनिस बॉयज सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप्स। टेनिस बॉयज सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप्स तो यार आंसर हो इंडियन अमेरिकन समीर बनर्जी। इंडियन अमेरिकन समीर बनर्जी ही विन 12 जुलाई 2021 इन लंडन। तो लंडन रे से जीतले समीर बनर्जी के समीर बनर्जी। देखो अमर बॉयज बॉयज आउ जूनियर जदि मेन्स सिंगल्स जदि पचरे मेन्स सिंगल्स चैंपियनशिप होचे नोवाक डिजोकोविक। अमर यदि मेन्स सिंगल्स जदि पचरे मेन्स सिंगल्स अमर चैंपियनशिप 2021 रहोचे नोवाक डिजोकोविक आउ बॉयज सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप 2021 आउ से इंडियन अमेरिकन है के इंडियन अमेरिकन समीर बनर्जी। तो आंसर बी करेक्ट समीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक आमर ओडिशार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ ओडिशा। तो देखो आमर अंशुपा पाट आउ कांजिया ये तीन टा आमर फ्रेश वाटर लेक है। अंशुपा भी पाट आउ कांजिया ओडिशार तीन टा फ्रेश वाटर लेक। सबुठारु लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अंशुपा आउ स्मॉलेस्ट कांजिया। स्मॉलेस्ट कांजिया चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन एशिया। एशियार लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ये कितने दूर अच्छे 1100 किलोमीटर अच्छे कि 1100 किलोमीटर रु आमर चिलिका लेकटा घेरिक अच्छे। तो अंशुपा गोटे हर्स सू सेप्ट लेक है। हर्स घोड़ार तार सू भलिया हर्स सू सेप्ट यार तार आकार हर्स रू भलिया अच्छे। दिस वन इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर महानदी। महानदी तार लेफ्ट साइड रे अच्छे आम जेनटा कि कटक बांकी सहर पड़ी से अंशुपा। तो अंशुपा यार करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक और फ्रेश वाटर लेक। तो आंसर अंशुपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट ओलंपिक गेम्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो स्वाधीनता पूर्वरु भारत प्रथम स्वर्ण पदक केबे जीतिथिला एटा जीतिथिला 1928 तक इंडिया हॉकी रे इनविंसिबल थिला अनबीटेबल थिला। तो सक्सेसिवली से 6टा गोल्ड मेडल जीतिथिला 6टा गोल्ड मेडल 6 गोल्ड मेडल्स। तो अमर 1928 रे से जीतिथिला 1928 रु 1960 तक से तर माने इनविंसिबल थिला अजय थिला। तो यार एग्जैक्ट आंसर होची सी। तो पहला करी प्रथम स्वर्ण पदक हॉकी खेल रे जीतिथिला 1928। नेक्स्ट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र किन अछि कटक रे अछि। किन अछि कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्रोनिम सार्क व्हाट डज सी स्टैंड फॉर। सार्क देख सार्क SAARC सार्क रो फुल फॉर्म होचे साउथ एशियन एसोसिएशंस रीजनल कोऑपरेशंस। तो यार एग्जैक्ट आंसर बा कोऑपरेशन सी फॉर कोऑपरेशंस। इटा उटे अमर इकोनॉमिक अमर बॉडी है जिनटा कि अमर इंडिया
পড়োশী দেশ ইন্ডিয়ার আমার নেবরিং কন্ট্রিজ, আমার আট নেবরিং কন্ট্রি অছেন, আট নেবরিং কন্ট্রি যেটাকে আমার আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, এসব আমার আট আমার যিন দেশ সার্কর মেম্বর, সার্কর মেম্বরশিপ আট কন্ট্রিজ। ইয়ার হেডকোয়ার্টার আছে কাঠমান্ডু, ইয়ার হেডকোয়ার্টার আছে কাঠমান্ডু নেপাল, কাঠমান্ডু নেপাল। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 15, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হেডকোয়ার্টার্স অফ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। দেখো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন দিস ওয়ান ইজ এন ইন্টার গভর্নমেন্টাল বডি হুইচ রেগুলেটস দ্য ট্রেড অফ নেশনস। আমার ট্রেড বা বাণিজ্য ব্যবসা দেশ দেশ ভিতরে বাণিজ্য ব্যবসার তার অর্গানাইজেশন সে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, ইয়ার হেডকোয়ার্টার আছে জেনেভা সুইজরল্যান্ড, জেনেভা সুইজরল্যান্ড। ইয়ে এস্টাব্লিশ করা হয়েছিল 1995। ইয়ার কারেন্ট মেম্বর কন্ট্রি অছেন 164 মেম্বর কন্ট্রি, এনে কেতটা দেশ অছেন 164। অলগা অলগা কোশ্চিনে কেবে এস্টাব্লিশ হয়েছিল, কেতে মেম্বর কন্ট্রি এসব পচারাছি, তো জানবাটা বহু জরুরি। দেখো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ইয়ার হেডকোয়ার্টার জেনেভা সুইজরল্যান্ড, জেনেভা সুইজরল্যান্ড। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 16, হাউ মেনি মেম্বার্স ফ্রম ওড়িশা আর ইলেক্টেড টু লোকসভা, লোকসভা লোকসভা এমপি মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট। তো লোকসভাকে ওড়িশারু 21 একুশটা সিট আছে, ওড়িশার কতটা সিট আছে 21টা সিট আছে। আউ এমএলএ, এমএলএ মিন্স মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ আসেম্বলি বা বিধানসভা, বিধানসভার আছে 147 সিট, কত আছে 147 সিটস। আউ আমার রাজ্যসভার কতটা সিট আছে, রাজ্যসভার আছে 10টা সিট, রাজ্যসভার 10টা সিট আছে। তো এর এক্সাক্ট আনসার, তো লোকসভা বা মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট 21, 21টা সিট আছে ওড়িশার, ওড়িশার 21টা সিট। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 17, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কন্ট্রিজ ইজ নট এ মেম্বার অফ ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনস, ইউএনও ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন, এটা 1945 মশায় তৈরি হয়েছিল। তো ইনিশিয়ালি এটা 51টা কন্ট্রি লে 51টা দেশ সামিল লে, কিন্তু বর্তমান 193 কারেন্টলি 193 মেম্বর কন্ট্রি অছেন, কেতটা 193, ইনিশিয়ালি 51টা লে। তো ইনিশিয়াল লেভেলে আমার সাউথ আফ্রিকা আউ কিউবাটা 1945 মশায় জুড়িছন, 1945 মশায় জুড়িছন। আউ ইজ্রায়েলটা 1949 ইয়ে 1949 ইয়ার মেম্বর্স, 1949 ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন মেম্বর কন্ট্রি অছে কে ইজ্রায়েলটা। আর ইয়ার হেডকোয়ার্টার নিউইয়র্ক সিটি, হেডকোয়ার্টার মনে রাখ নিউইয়র্ক সিটি, নিউইয়র্ক সিটি। তো দেখো তোমকে যে কোশ্চিনটা পচারিছে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন ইয়ার বিষয়ে ডিপ জানলে তো ই কোশ্চিন তো করি পারল, নেক্সট আগে অপকমিং এক্সামে এইসব ইনফরমেশন দরকার না। তো দেখো ইয়ার লাগি বহুত বহুত জরুরি বেসিক জিনিস জানবার লাগে, ঠিক। নেক্সট কোশ্চিন নম্বর 18, হোয়াট ইজ ওয়াল স্ট্রিট, ওয়াল স্ট্রিট, ওয়াল স্ট্রিট ইয়ার অর্থ কেন, হোয়াট ইজ ওয়াল স্ট্রিট কেন। তো ওয়াল স্ট্রিট লিটারালি এ টাউন অফ নিউইয়র্ক সিটি, তো ওয়াল স্ট্রিট গোটে টাউন বা গোটে রাস্তা আমার নিউইয়র্ক সিটির। তো ইয়ার একজাক্ট আনসার হয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ অফ নিউইয়র্ক, তো নিউইয়র্কর, তো নিউইয়র্কর গোটে স্টক এক্সচেঞ্জ। নেক্সট, ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনস সেলিব্রেট ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা গ্লোবালি অন হুইচ ডেট, আমার কেন তারিখে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনস গ্লোবালি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা। দেখো আমি জানিছু ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ কে পালন করেছি ইন্ডিয়ারে, তো জুন 21, তো জুন 21 হি গ্লোবালি পালন করা হয়েছে। তো এটা ফার্স্ট স্টার্টিং হয়েছিল 2014, আমার 2014 আমার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী কাঁ করে সজেস্ট করে যেটাকি আমার ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন একসেপ্ট করি 2014 পালন করে আসছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা। কারেন্টলি 173 নেশনস জয়েন করেছেন এনে, হ্যাঁ কারেন্টলি 173টা দেশ আমার এনে সামিল হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইয়োগা জুন 21। নেক্সট কোশ্চিন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিস্ট্রিক্টস অফ ওড়িশা হ্যাজ টপড ইন প্রডকশন অফ টর্মেরিক, হলদী উৎপাদনের ওড়িশার কেউ জেলাটা প্রথম স্থান, কেউ জেলাটা প্রথম স্থান। তো দেখ হলদী উৎপাদনের টর্মেরিক প্রডকশনের সবুঠার টপ করছে আমার কন্ধমালটা, তারপর সেকেন্ডে আছে আমার কোরাপুট, সেকেন্ডে কোরাপুট, আর থার্ডে নয়াগড়, থার্ডে নয়াগড়, নয়াগড় ডিস্ট্রিক্টটা। দেখ কন্ধমাল সর্বাধিক 28,818 টন এনুয়ালি সে প্রডকশন করে পারছি, নেক্সট কোরাপুট 7,761 টন, আউ নয়াগড় 5,343 টন। তো হাইয়েস্ট আমার কন্ধমাল, তো হলদি উৎপাদনের আমার ওড়িশার হাইয়েস্ট
डिस्ट्रिक्ट जेनटा कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट किन डिस्ट्रिक्ट कंधमाल सेकेंड कोरापुट आउ थर्ड नयगढ़ मन रख है आर ये सब तार प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे। तो देख डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग डाकरा देथला अनाउंसमेंट करी थिले बा हमर मुस्लिम लीग रे नेता थिले मोहम्मद अली जिन्ना। इटा डाकरा दिया आइथला 16 अगस्त 1946 मसीहा रे आमर ई डायरेक्ट एक्शन डेटा हिंदू आउ मुस्लिम भितर झगड़ा होता दंगा होता इटा के भी कहसी कोलकाता किलिंग्स बोलकर भी इटा कहसी डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता किलिंग्स बोलकर कहसी। आउ से समय रे आमर इंडियार वाइसराय थिले लॉर्ड वेवेल। किए थे लॉर्ड वेवेल मन रख यार डेट भी आउ लॉर्ड वेवेल। डायरेक्ट एक्शन डे आमर मुस्लिम लीग डाकरा दिया था आउ डायरेक्ट एक्शन डे के कह जैसी आमर कोलकाता किलिंग्स बोलकर इटा 16 अगस्त 1946 मसीह यार भाईसरा से समय थे लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियार फर्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वर द नेम्स ऑफ अशोकाज मदर वाइफ एंड डॉटर। अशोक तार मार ना थिला सुभद्रांगी, तार मार ना थिला सुभद्रांगी, वाइफ महादेवी आउ डॉटर संघमित्रा। तो यार करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट इनिशियली क्वीन इलिजाबेथ वन अप्रूव्ड द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हाउ मेनी इयर्स। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कितने 1600 आसाला जितकी बिल्कुल 1600 आसाला तो क्वीन इलिजाबेथ वन एटा 15 वर्ष लगे एप्रूव कराइला जिसकी भारत में 15 वर्ष तक बेपार करमु तापर धीरे 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 रही रही करी वाणिज्य व्यवसाय बढ़े करी भारत के स्वाधीन कले। देख आम डिटेल आगे आम ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट नेक्स्ट क्लास जीएस सेक्शन में आम पढ़मु एवर लाइक खाली इतनी जानी था जो 15 वर्ष लगे ये एप्रूव कराइला। क्वेश्चन नंबर 25 पंचतंत्र वाज रिटन बाय हुम। पंचतंत्र किए लिखी थे यार आंसर हूँ विष्णु शर्मा। तो देख आम जिन ये लेखक आउ तांकर जो लेखाटा ये सब आम नेक्स्ट क्लास रे प्रोवाइड करमु अपकमिंग क्लास रे एवर लगे जानते विष्णु शर्मा। नेक्स्ट मोहेंजोदारो इज अल्सो नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो कहसी माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ डेड। मोहेंजोदारो इज एन एंशियंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1920 जिनटा कि 1920 मसीह डिस्कवर कराइला गोटे एंशियंट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहेंजोदारो इटा कहसी माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द फेमस जालियनवाला बाग मसाक्रे हैपेंड ऑन व्हिच फेस्टिवल डे। देखो तुम्हें जानी छो जालियनवाला बाग मसाक्रे केबे हिथिला 13 अप्रैल 1919 किन हिथिला पंजाबर अमृतसर सिटी रे, पंजाबर अमृतसर सिटी रे। तो देखो ना अप्रैल मास रे हिथिला तो अप्रैल मास रे हमर केन पर्व हेबा बैसाखी। अप्रैल मास बैसाख मासटा तो बैसाखी पर्व हेबा। तो जितकी बेल के बैसाखी पर्व रे हमर गैदरिंग हेथिले तो सेतकी बेल के ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर का ऑर्डर रे तब मैंने गुलीकांड हेथिला, हत्याकांड हेथिला। तो जालियनवाला बाग मसाक्रे केन हेथिला पंजाब और अमृतसर केवे थिला 13 अप्रैल 1919 किंतु एना क्वेश्चन पछरे छै किन फेस्टिवल रे तो अप्रैल मास रे ऑब्वियसली बैसाखी फेस्टिवल हत आंसर बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट द मेसेडोनियन किंग। तो मेसेडोनियार सम्राट जितकी बेल के विश्व विजय भ्रमण रे बाहरी थिले तो जितकी बेल के भारत के इनवाइट करवार लगी, भारत के शासन करवार लगी आसले तो सेतकी बेल के मगधर राजा थिले किए नंद वंश शासन करथला धनानंद थिला तार राजा किए थिला धनानंद। गोटे ध्यान रख अलेक्जेंडर गोटे युद्ध लड़ी थिले से अलेक्जेंडर आउ पोरस भितरे अलेक्जेंडर 326 BC अलेक्जेंडर आउ अमर इंडियार पोरस ठीक। तो ये दुजन के युद्ध होता से युद्ध को आसी बैटल ऑफ हिडाफसिस मैंने रख परीक्षा में पढ़सी बैटल ऑफ हिडाफसिस। तो बैटल ऑफ हिडाफसिस कार भितर होता है अलेक्जेंडर आउ पोरस भितर 326 BC झेलम नदी कूलर यहाँ है। तो आम अलेक्जेंडर जितकी बेल के भारत के आसले तो मगध सेतकी बेल के मगध राज्य के वंश शासन करंद वंश के वंश नंद धनानंद ठीक।
9 নম্বর কোশ্চেন দ্য লেন্দেস্ট ক্লাসিক্যাল ইপিক অফ ইন্ডিয়া ভারতের সবথেকে লেন্দেস্ট ক্লাসিক্যাল ইপিক কিনটা মহাভারত মহাভারত কোশ্চেন নম্বর 30 ওড়িশি ডান্সার ইন জগন্নাথ টেম্পল আর কল্ড এজ তো যেন মানে ওড়িশি ডান্সার ডান্স করছেন জগন্নাথ টেম্পল পুরী জগন্নাথ টেম্পল রে সেমানকে কানে কয় সেমানকে কয় আসি মহরি আর ইমানকে কয় আসি দেবদাসী দেবদাসী ভি কয় আসি মহরি বলকর ভি কয় আসি যেন মানে কি আমার পুরীর জগন্নাথ টেম্পলরে ডান্স করছেন ওড়িশী নৃত্য করছেন সেমানকে কানে কয় আসি মহরি বলকর কানে কয় আসি মহরি আর দেবদাসী ডান্সার অলসো ওকে নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 31 অ্যাটমোসফিয়ারিক হিউমিডিটি ইজ মেজার্ড বাই অপশন দেওয়া হয়েছে বারোমিটার অ্যানিমোমিটার লিসিমিটার আর হাইগ্রোমিটার তো দেখো মহিলা লেখ বারোমিটার বারোমিটার ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট হুইচ ইজ মেজার অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসর যে অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসর মেজারমেন্ট সে তাকে কয়াসি বারোমিটার অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসর অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসর আমার বারোমিটার অ্যানিমোমিটার অ্যানিমোমিটার কিনটা মেজারমেন্ট করছি উইন্ড স্পিড অ্যান্ড উইন্ড প্রেসর উইন্ড স্পিড অ্যান্ড উইন্ড প্রেসর আমার মেজারমেন্ট করছি অ্যানিমোমিটার আর লিসিমিটার লিসিমিটার দ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার হুইচ ইজ ইউজড ইন ইভাপোরেশন ইভাপোরেশন অর ট্রান্সপিরেশন অর ট্রান্সপিরেশন তো আমার ইভাপোরেশন আর ট্রান্সপিরেশন মেথডরে যেন ওয়াটারটা বা জলটা ব্যবহার হেসি সে তার লাগে যেন ইনস্ট্রুমেন্ট মেজারমেন্ট যেটা করছি সেটাকে কয়েসি লিসিমিটার তো আমার আনসার হয়ে যাওয়া হাইগ্রোমিটার অর্থ অ্যাটমোসফিয়ারিক হিউমিডিটির মেজারমেন্ট যে করছি সেটা কয়েসি হাইগ্রোমিটার তো আনসার ডি হাইগ্রোমিটার করেক্ট আনসার অ্যাটমোসফিয়ারিক হিউমিডিটি ইজ মেজার্ড বা হাইগ্রোমিটার বুঝে হয়েছে নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 32 হোয়াট টাইপ অফ রক ইজ কোল্ড হোয়াট টাইপ অফ রক ইজ কোল কোল হচ্ছে আমার সেডিমেন্টারি রক কোল হচ্ছে আমার সেডিমেন্টারি রক তো কোল কোল আমার কে আইসি ন্যাচুরাল আউ ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল আউ কেমিক্যাল প্রসেসরে সে তার মানে ইট প্রডিউস লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যান্ড এনার্জি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হিট আউ এনার্জি প্রডিউস করছি আউ সে এটা আমার কোলটা হচ্ছে ইগনেয়স তার মানে কার্বোজেনিয়াস কম্পাউন্ডর ডিপোজিট্রে আমার যেটা হয়েছে সেটা আমার সেডিমেন্টারি রক হয়েছে আমার কোল্ডরে মানে সেডিমেন্টারি রকটা কার্বনর তার ডিপোজিট্রে আমার যেটা মানে ইয়ে হচ্ছে সেটা হল সেডিমেন্টারি রক তো হোয়াট টাইপ অফ রক ইজ কোল কোল হচ্ছে আমার সেডিমেন্টারি রক কেন রকটা সেডিমেন্টারি রক নেক্সট দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজড ফর রেকর্ডিং আর্থকোয়েক ইজ আর্থকোয়েক র মেজরমেন্ট করবারটা আর্থকোয়েক কে জানি পারবার তার ইনস্ট্রুমেন্ট কয়েছি সেসমোগ্রাফ কেন কয়েছি সেসমোগ্রাফ দেখো নেক্সট কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে 34 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স অফ সিজ অর ওশানস ডজ দ্য সুয়েজ ক্যানাল কানেক্ট তো সুয়েজ ক্যানাল দেখো সুয়েজ ক্যানাল সুয়েজ ক্যানাল ইজ অ্যান আর্টিফিসিয়াল সি লেভেল ওয়াটার ওয়ে ইন ইজিপ্ট ইজিপ্টর গোটে সি লেভেল ওয়াটার ওয়ে আমার সুয়েজ ক্যানাল এ কাণা করছি ইয়ার মানে কনেক্ট করছি মেডিটেরানিয়ান সি অ্যান্ড রেড সি কে কনেক্ট করছি কাজ করছি মেডিটেরানিয়ান সি আর রেড সি কে কার থ্রু দিগরি সুয়েজ মানে থ্রু সুয়েজ সুয়েজ দিগরি সুয়েজ ক্যানাল দিগরি আর ইয়ার ডিভাইড করছি আফ্রিকা আর এশিয়া কে আফ্রিকা আর এশিয়া থ্রু ইস্থমস ইস্থমস অফ সুয়েজ ইয়ার থ্রু দিগরি আফ্রিকা আর এশিয়া কে দুইরে ডিভাইড করছি দেখো আউ থে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স কিনটা তো সুয়েজ ক্যানালটা সুয়েজ ক্যানাল আমার গোটে সি লেভেল ওয়াটার ওয়ে ইজিপ্টর ইজিপ্টর সি লেভেল ওয়াটার ওয়ে সেকেন্ডটাকে মেডিটেরানিয়ান সি আর রেড সি কে কনেক্ট করছি থ্রু ইস্থমস অফ সুয়েজ ইস্থমস অফ সুয়েজ আর যেটাকে ডিভাইড করছি আফ্রিকা আর এশিয়াকে আফ্রিকা আর এশিয়া কন্টিনেন্ট দুইটাকে ডিভাইড করছি তো দেখো আমার না সেটঅপ নেই না আমার না নর্মালি আছে স্মার্ট বোর্ড নয় সে অ্যাডজাস্ট কর বুঝলাম যেতবে যেতে ডাউট লাগুছে তো অ্যাটলাস্ট দেখো ম্যাপ দেখ হল স্মার্ট বোর্ড তো প্রোভাইড নাই পারে বহুত মেহনত লাগুছে দেখুছে তো কোশ্চিন সব লিখি করি করবাকে পড়ুছে তো বুঝ হল তো সুয়েজ ক্যানাল কেনটা কনেক্ট করছি মেডিটেরানিয়ান সি আউ রেড সি কে মেডিটেরানিয়ান সি আউ রেড সি নেক্সট কোশ্চিন হাউ মেনি নম্বর অফ স্টেটস শেয়ার দেয়ার বর্ডর উইথ ওড়িশা ওড়িশার বর্ডর স্টেট ওড়িশা কতটা স্টেট তার মানে বর্ডর স্টেট পহলা ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে ছত্তিশগড় আন্ধ্রপ্রদেশ তারপরে নেক্সট ঝাড়খণ্ড তারপরে তেলেঙ্গানা তো কতটা এক দুই তিন চার পাঁচটা স্টেট আমার ওড়িশাকে বর্ডার করছেন তো তোমরা যাই করে ম্যাপরে দেখি পারব যে এই পাঁচটা স্টেট তার মানে ওড়িশার নেবরিং স্টেট
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय, ओडिशा के टाइप रो क्लाइमेट टा एंजॉय करसी। तो देखो ओडिशा इज सिचुएटेड और लोकेटेड द ट्रॉपिकल वेट ड्राई रीजन और ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सवाना। तो यार आंसर ए ही है, यार आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर बुढ़ावलंग हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अमर बुढ़ावलंग रिवर किन ओरिजिनेसी, बुढ़ावलंग रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिमलीपाल हिल, सिमलीपाल हिल एंड इट प्लंजेस बरे ही पानी वाटरफॉल। माने रखो ये अमर ओरिजिनेसी बुढ़ावलंग सिमलीपाल रु आउ केनथरे मिसी बरे ही पानी वाटरफॉल जेंटा के अमर इंडिया रा सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, बरे ही पानी वाटरफॉल्स बुझे। तो बुढ़ावलंग ओरिजिन हो सिमलीपाल हिल रु आउ से प्लंज करुचे मिसुचे बरे ही पानी वाटरफॉल रे जेंटा कि सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया बरे ही पानी, बुझला। नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन क्वेश्चन तुम पाखे अच्छे देखनी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, ये क्या कहसी थ्रोम्बोसिस बोल कर कहसी, ब्लड क्लॉटिंग क्या कहसी थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट, सिंधु नेत्र सैटेलाइट इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूजिंग व्हिच व्हीकल लिखा है, तो यह PSLV C51 DRDO द्वारा February 28, 2021 सक्सेसफुली कंडक्ट कराई कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट। तो देखो नेक्स्ट आमर जीएस क्लास रे डिटेल सैटेलाइट आमर सब डिटेल पढ़मु नॉर्मली हेबे। देखो तो आमर इधर PSLV C51 जेन ऑप्शन रहछ सेटा करेक्ट, एटा आमर थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट देखो, डेंगू फीवर आमर किन मोसा चाबले डेंगू फीवर हेसी, व्हिच मॉस्किटो बाइट्स कॉज डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर किन मोसा काबले हबा, तो आमर ऑप्शन दिछि क्यूलेक्स एड्स एनोफिलिस और मानसोनिया। तो देखो क्यूलेक्स मोसा काम किन बीमार से आगे ले जाने, क्यूलेक्स मोसा काम गेलम के रोग हबा जापानीज एन्सेफालिटिस आउ फाइलेरियासिस, देखो क्यूलेक्स मोसा काम गेले। नेक्स्ट एड्स जाय छे, एड्स ले एड्स फीमेल एड्स बीमारी नो से एटा तार स्पेसिस है, फीमेल मॉस्किटोज ऑफ द स्पेसिस एड्स इजिप्टी, तो ई एड्स इजिप्टी मोसा काम गेलम के डेंगू बीमारी से केनटा सी डेंगू बीमार हला। तो नेक्स्ट एनोफिलिस, एनोफिलिस मोसा काम गेले मलेरिया आउ मानसोनिया लिम्फाटिक फाइलेरियासिस, तो करेक्ट आंसर बी नंबर एड्स इजिप्टी मशा जदि कामुड़बा बा फीमेल मस्किटो कामुड़ला हमके डेंगू फीवर बा, केन फीवर बा डेंगू फीवर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, केते बोन जानिछ सब 206। लाइट ईयर इज ए यूनिट मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मेजरमेंट करसी, स्पीड ऑफ लाइट के मेजरमेंट करवा लगे हमें लाइट ईयर व्यवहार करसू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कंसीडर्ड हेल्पफुल टू कीप आईज हेल्दी, आखी के हेल्दी रखवार लगे किन विटामिन दरकार, विटामिन ए जानी छो तुम्हें, यदि विटामिन ए डिफिशियंसी हम के नाइट ब्लाइंडनेस हिसी किंटा ऐसी नाइट ब्लाइंडनेस बा अंधार कणा बीमारी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा, ओडिशा रे एंशिएंट नेम किंटा नो हेसे, तो कलिंग अगली कलिंग कहा जाउतला, उत्कल भी कहा जाउतला, ओडर देश कहा जाउतला, किंतु कौशल एंशिएंट नेम नो हेसे, तो यार आंसर इज बा कौशल, आंसर इज बा कौशल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री, तो ऑप्शन दे छै किन कंट्री पहला सैटेलाइट लॉन्च करथिला, तो यार आंसर है USSR और सोवियत यूनियन, USSR के आगे सोवियत यूनियन कह जथिला बा एबर करंटली कह आसी रशिया बोली करी, तो रशिया पहला करी हमर आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 लॉन्च करथिला, केनटा स्पुटनिक 1 इन 4 अक्टूबर 1957 पहला सैटेलाइट के लॉन्च करथला USSR, तो हमके क्वेश्चन किन कंट्री बोल छे तो USSR। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा एटा के डिजाइन करथला भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर VARC। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम लाइम एंड क्लोरीन। देखो यार नेक्स्ट क्लास रे डिटेल में पढ़ नॉर्मल तुम देखियो। नेक्स्ट दिया अमर कार्बन रो एलोट्रोप भितरे केनटा करेक्ट ऑर्डर रे अच्छे दिया, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट और ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट और ग्राफाइट सॉफ्ट।
14 क्वेश्चन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज नोन एज कोणार्क सूर्य मंदिर के कहसी ब्लैक पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सन टेम्पल पीस पगोड़ा शांति स्तूप धौली ओडिशा ला शांति स्तूप के पीस पगोड़ा व्हाइट पगोड़ा पूरी जगन्नाथ टेम्पल के कहसी व्हाइट पगोड़ा गोल्डन पगोड़ा इटा के कहसी कोंगमू खम इटा गोटे बुद्धिस्ट टेम्पल है इटा के अच्छे अरुणाचल प्रदेश रे अच्छे गोटे बुद्धिस्ट टेम्पल अरुणाचल प्रदेश रे अच्छे अरुणाचल प्रदेश गोल्डन पगोड़ा का कहसी कोंगमू खान बोल कर भी अलग इटा बुद्धिस्ट टेम्पल है अरुणाचल प्रदेश में अच्छे व्हाइट पगोड़ा पूरी जगन्नाथ टेम्पल ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल के कहसी पीस पगोड़ा शांति स्तूप नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कोरोना वायरस रिलेटेड डिजीज के सार्स आउ मर्स जेनटा कि ए आउ बी रे दिया जाय तो यार आंसर हो जाबा बोथ ए एंड बी तो देखो आमे जीएस रो प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन करलु तो यार आमे रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई रे जिन क्वेश्चन सेल तार संगे किंतु ओडिसा रे जितकी अपकमिंग एग्जामिनेशन अछि यार डिस्कशन बहुत बहुत हेल्पफुल रहबा तो प्रत्येक लोग देख आउ तुम देख लो तो तुम फ्रेंड के सर्कुलेट करो तुम फ्रेंड पाके पठाओ जेनटा कि तुम ये एग्जाम तुम निजे जानी पार्ब के तुम मैंने ये कर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम लगे भी बहुत नॉलेज टा पाई पार्ब ठीक थैंक यू।